subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सगन माय है इम्तियाज मीर। आज रिमार्क्स थे, ऑब्जर्वेशन थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। सेनेट चूंडू गुझे नामूने थिन या न थियन, सीक्रेट थिन, फैसलो पार्लियामेंट कंदी। आइन गुझी वोटिंग जी इजाजत दींदो त फैसलो ही खत्म थी वेंदो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन के बाद हम तहरीक के आदम एतमाद लाने की सोच सकते हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा। मरियम नवाज साहब ने भी आज कहा कि सहारा न बने सुप्रीम कोर्ट, ये डूबती हुई कश्ती हुकूमत की। ये जो आइन की तरमीम है ये पार्लियामेंट करे। तो आज तो बड़े एक ऐसे रिमार्क्स आए हैं कि इससे पता चलता है कि ये पार्लियामेंट में ही जाएगा। ये पीडीएम, जिस तरह आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, ये पीडीएम ही ये जंग जीत चुकी है हुकूमत के खिलाफ। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब वीर जी कोहली साहब, सूबाई सलाहकार हैं चीफ मिनिस्टर साहब के। सर मतांग वेलकम चौंधो पर प्रोग्राम में मेहरबानी से। उन्हें मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तज्जिया निगार हैं और लीगल माइंड हैं और अकेडमिक हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। सर माय प्लेजर। उसी के साथ सरीना अदनान साहिबा, पीटीआई की रहनुमा हैं और सीनियर रहनुमा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू सर। इस तरह लग रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशंस आज की इस तरह लग रही है कि सीक्रेट बैलेट होगा, ओपन बैलेटिंग नहीं होगा। और आज कारकर्दगी हुकूमत की भी इस तरह लग रही है आपके सामने, बौखलाहट भी हुकूमत जी ये लगे थी। अरे बिलावल साहब भी जो आए तब पीडीएम हुकूमत के खिलाफ यह जंग खटे चुकी है, छा चवंदो? महरबानी इम्तियाज मीर साहब, ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि त तय आहे त इहो जेको कुझु बौखलाहट हुजे, आर्डिनंस हुजे, रेफरेंस हुजे, इहो सॼो बौखलाहट जो हिसो आहे। न त आइन में चिटो ऐं क्लियर ऐं वाज़ह लिखियलु आहे त सीक्रेट बैलेट जे थ्रू वोट थींदो, इन में का ॿीर आहे कोन। पर हीअ बौखलाहट जे थ्रू इदारनि खे, छो त हिन खां पहिरियों इदारा मूंखे न आहे ख़बर त कीअं हिननि मिसयूज़ कया, पर उहे इदारा मिसयूज़ थिया, चाहे उहे पॉलिटिक्स में आया, चाहे उहे डैमन जा मामला हुजनि या ॿिया मामला हुजनि। इवन असांजो त असांजे ख़िलाफ़ जंहिं तरीक़े सां इदारा इस्तेमालु थिया, उन में असांजो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे जंहिं तरीक़े सां अॼु सॼी दुनिया मञे थी, ख़ुदि उन जजनि किताब लिखिया आहिनि त असां भुट्टे खे नाहक फांसी ॾिनी। उहे इदारा माज़ी में इस्तेमालु थींदा रहिया, पर हीअ सम्झनि था त अञा बि असां इदारनि खे इस्तेमालु करे गैर आइनी अमल करे ऐं उनजो कवर ॾेई छॾींदासीं, या हिननि खे भुल आहे, या हिन जे बौखलाहट जी निशानी आहे, हिननि जो रेफरेंस बि ग़लति आहे। ऐं जॾहिं असेंबली मौजूदु हुजे, नेशनल असेंबली ऐं सेनेट मौजूदु हुजे, उनजी मौजूदगी में हिननि जो आर्डिनंस बि गैर क़ानूनी ऐं गैर आइनी आहे। इहो हुननि जो रेफरेंस बि ख़तमु थींदो, जेको असांखे जेको ऑब्जर्वेशन ख़तमु थींदो, ऐं हिननि जो जेको आहे सो न रेफरेंस मोकिलियो आहे न, त उहो बि ख़तमु थींदो, ऐं प्लस जेको जेको आर्डिनंस आहे उहो बि ख़तमु थींदो, उहो हूअं ई ऑटोमेटिक ख़तमु थी वियो। त हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हिननि खे मजबूर थी आइन ते अमल करिणो पवंदो। हिननि जी इहा रिवायत रही आहे, जॾहिं अपोज़िशन में हूंदा हुआ तॾहिं बि पार्लियामेंट ते लानत विझंदा हुआ, आइन ते लानत विझंदा हुआ, गैर आइनी अमल कंदा हुआ ऐं सिविलियन नफ़रमानी जा इनाल कया हुआ। पर जॾहिं इक़्तदार में आया त उनखां पोइ अॼु ॾींहं ताईं समूरा अमल हिन जा जेके आहिनि उहे तव्हां ॾिसो गैर आइनी, गैर क़ानूनी ऐं गैर पार्लियामानी आहिनि। हीअ पार्लियामेंट जी मौजूदगी में हीअ आर्डिनंस ते गुज़ारो हलाइनि था, हीअ पार्लियामेंट जी मौजूदगी में जेको आहे सो गैर क़ानूनी अमल कनि था। हिकिड़ो वज़ीर आज़म बीह करे ऐं ऐलान थो करे त भई आऊं जेलनि मां वञी पखा हलाईंदुसि, जॾहिं त क़ानून मौजूदु आहे। भई तोखे जेकॾहिं कुझु करिणो आहे त तूं क़ानून तो वटि आहिनि, तूं इक़्तदार में आहीं, तूं हुन में अमेंडमेंट कर। पर हीअ स्टेटमेंट खारी ॾेई उन क़ानून जी जेको आहे सो लताड़ करे थो, उन आइन जी लताड़ करे थो। गैर आइनी अमल आहे, गैर क़ानूनी अमल आहे। ऐं ॾिसो ॻाल्हि इहा त जॾहिं बि हींअर 342 टोटल मेंबर आहिनि नेशनल असेंबली में, उन 342 मां सुभाणे जेकॾहिं ही 72 वोट, घटि में घटि 72 वोट कास्ट करण में रूलिंग पार्टी अगरि नाकाम थी वञे त ऑटोमेटिक आइन छा थो चवे? आइन चवे थो त हिननि खे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वठिणो पवंदो, एतमाद जो वोट वठिणो पवंदो पार्लियामेंट मां। ऐं सदर उनखां पहिरीं अञा ताईं वोट न आयो आहे, ऐं सदर अॼु बौखलाहट जी इन खां वधीक निशानी कहिड़ी थी सघे थी त अॼु प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जेको आहे प्रेसिडेंट उहो चवे थो त अगरि ईअं थियो त आउं इहो एतमाद जे वोट लाइ वज़ीर आज़म कोन चवंदुसि। तूं कीअं कोन चवंदे? माना तूं आइन खे पासदारी न कंदे?
तू एकड़ो माना सदर थे वेठो आई कें पहुंची वे पर तू इन वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आई तो तोखे आइन के ऐसी कर स्टेटमेंट जारी करण खपे उन्हन जा बयान भी गैर आइनी हैं गैर कानूनी हैं इन्हन जा अमल भी गैर कानूनी गैर आइनी हैं। बिरसे साहब, किस तरह आप सिचुएशन देखें, आज के रिमार्क्स आपके सामने, जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक चीज ये कहा है कि सेनेट की इलेक्शन में अगर ओपन बैलेटिंग या सीक्रेट बैलेटिंग होती है इसका फैसला तो पार्लियामेंट करेगी ना, आज के रिमार्क से क्या लग रहा है आपको? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं सिर्फ एक बात स्टार्ट में ये कहूं कि एक्सपीरियंस से हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि रिमार्क्स में और ऑर्डर्स में बड़ा फर्क हो सकता है। सही कह, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि कॉन्डक्ट से कि ये तो ऑर्डर हमारे हक में आएगा, खिलाफ आ जाता है। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने कहा हम आज ऑर्डर पास कर देंगे, गुस्से से कह के अंदर गए, जब निकले तो सारा ऑर्डर फेवर में था। तो रिमार्क से एक तो फाइनल कंक्लूजन कभी नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, जो नंबर टू बात है, जो बात चीफ जस्टिस साहब ने की उसमें कोई शक नहीं है, और असल रेफरेंस है ही यही। रेफरेंस क्या पूछ रहा है? रेफरेंस ये पूछ रहा है कि क्या सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेट कानून बदलने से हो सकते हैं। उसकी वजह ये होगी कि सेनेट इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन नहीं है, जैसे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है। आर्ग्यूएबल केस है हुकूमत का, मैं नहीं कह रहा बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, लेकिन आर्ग्यूएबल केस है और इसको सुना गया है। ये तो शुरू से हमें पता है कि अगर वो आइन के खिलाफ वर्जी है तो अल्टीमेटली आइन को बदलना सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की स्वाब दी है, उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी से बदलना है। अलबत्ता अगर कानूनी पोजीशन ये है कि उसको कानून के जरिए चेंज करके ओपन बैलेट से कराए जा सकते हैं, तो उसके अंदर फिर ऑर्डिनेंस हुकूमत जारी कर सकती है। वो एक अलग बात है कि उस ऑर्डिनेंस को बाय सिंपल रेजोल्यूशन पार्लियामेंट जो है वो उठा के कचरे के डब्बे में फेंक सकती है, वो उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। और अगर चाहे तो उसको एज अ कानून भी ताहयात अडॉप्ट कर सकती है जब तक वो उसको खुद रिपील ना करें। जो कानूनी पोजीशन तो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिसेंट जुरिसप्रूडेंस रही है वो यही रही है। हमें याद है कि जब वो आर्मी चीफ का एक्सटेंशन वाला केस था तो वो भी पार्लियामेंट को भेजा था, और आज जो सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जजेस जो हैं वो बने इस्टेब्लिशमेंट का सहारा, उन्होंने खुद ही जाके 6 मिनट के अंदर, पहली दफ़ा किसी पार्लियामेंट में हुआ होगा कि 6 मिनट के अंदर वो पास भी हो गया बिल और आर्मी चीफ को एक्सटेंशन भी मिल गई। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि फाइनल फैसला पार्लियामेंट ने ही करना है, बेशक आईनी या कानूनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह ज़रूर बताना है कि क्या सेनेट इलेक्शंस 226 से हिट हो रहे हैं आर्टिकल 59 की मौजूदगी के अंदर और आर्टिकल 218(3) की मौजूदगी के अंदर। अगर तो हो रहे हैं तो फिर भी अल्टीमेटली पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मुतबादल तो नहीं है ना सर? बिल्कुल नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक फैसला करना है कि क्या आईन तब्दील किए बगैर ओपन बैलेट हो सकता है या नहीं। अल्टीमेटली ये फैसला करना पार्लियामेंट ने ही है, पार्लियामेंट नहीं करना जी 100%। ठीक है मैडम, आप किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा, मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा, डूबती हुई कश्ती ये गवर्नमेंट की, डूब रही है ये गवर्नमेंट। और जिस तरह बिलावल साहब ने भी आज कहा कि सेनेट के बाद हम सोचेंगे तहरीके अदम एतमाद, गवर्नमेंट इतनी कमजोर हो चुकी है, गवर्नमेंट इतनी नाकाम हो चुकी है, बाय इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों के अंदर आपको एक बुरी शिकस्त हुई है, हुकूमत होते हुए भी आपको शिकस्त। देखिए पहले तो ये देखना जरूरी है कि मौकिफ क्या है। मौकिफ ये है कि कैसे मुमकिन है कि एक पीडीएम जैसी कमज़ोर तरीन जो तहरीक है वो गवर्नमेंट को, जो कि अवाम के मुकम्मल एतमाद के बाद जो वजूद में आई है, उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो कोई इस तरह का स्टेटमेंट जारी कर सके। पहली बात तो ये, पीडीएम इटसेल्फ बहुत ही कमज़ोर, जिसका नैरेटिव हर दूसरे दिन चेंज होता है, मौक़िफ़ हर दूसरे दिन चेंज होता है, ठीक है ना। उनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक नहीं हैं, उनके अंदर बहुत इख्तलाफ है। तमाम जो जमातें हैं, 11 जमातें जो ये सारे के सारे जो एक दूसरे से बिल्कुल इख्तलाफ रखते हैं, कभी एक पॉइंट होता है अगली सुबह चेंज हुआ होता है। तो ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है इन लोगों की, जो इंतहाई मजबूत गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो भी इन्होंने मौक़िफ इख्तियार किया हुआ है, ये सिर्फ स्टेटमेंट बराए स्टेटमेंट है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए क्यों ओपन बैलेटिंग पर हम जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है वो करना चाहती है, गवर्नमेंट करना चाहती है, वफाकर क्यों? इसलिए क्योंकि शफाफियत आए इस अमल में, इसके अंदर अंदरखाना साजिशें हो रही होती हैं, इसके अंदर जो है वो पैसा चल रहा होता है, अपने नहीं दूसरों का भी पता चले ना, अपनों की बात नहीं है। पहले भी यही था हमारा कहना था, जब जो थी, जब ऑपोजिशन जमातें जो थी पिछली दिहाइयों में जो थी बहुत होल्ड पर थी, ये था तो उस वक्त भी ये बात करी जाती थी, आज भी वही बात है
कि शफाफियत होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी इस तरह का अमल करता है, सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ उन्हें उठाकर कटहरे में खड़ा करती है, चाहे वो अपने हो और दूसरे हो तब भी। तो ये बात ये देखनी चाहिए कि नीयत साफ होना बहुत ज़रूरी है। आवाम के सामने क्यों नहीं क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, क्यों ये जो है ये जब, अपना जब जब छुपाना चाहती है बिलावल भुट्टो आया था, और मरियम नवाज वहां आपको शफाफियत याद नहीं आई? नहीं, देखिए शफाफियत होना, अगर आप ये मतलब तहरीक आप इस बात की बात करते हैं कि जो सेनेट के ऊपर जो अगर आप बात करते हैं, तो फ्रेंकली हर आवाम का हर जो नुमाइंदा वो यही कह रहा है और खुद आवाम भी यही चाहती है कि शफाफ हो, सामने आए, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो एक चीज। क्यों मरियम नवाज साहब और क्यों बिलावल भुट्टो जिदारी जो हैं वो इस चीज को वो करना चाहते हैं? ये तो आवाम की आवाज है, ये तो हम भी चाहते हैं, लेकिन सेनेट इलेक्शन तभी तो इलेक्शन रखा हुआ है तो लोग अपने जमीर से प्रोपोर्शनल ये होता है कि कहीं भी वोट कर सकते हैं। अगर ये हो तो फिर तो डब्बे रखेंगे, ये यहाँ वोट दे वो वहां वोट दे। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आर्टिकल 51 के तहत विमेन के लिए रखा हुआ है कि जो पार्टी का तनासुब होगा उस हिसाब से आप कर लें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है और सुप्रीम कोर्ट इस आर्ग्यूमेंट को सुन रहा है। कल और परसों बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो है वो आर्टिकल 59 जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है उसके ऊपर होती रही हैं और बेंच ने बड़े सवाल पूछे हैं। लग यही रहा था कि अल्टीमेटली शायद मुझे जो लग रहा था कि हो सकता है कि कुछ डायरेक्शंस पास हो जाएं और ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है इसकी वायरस चैलेंज हो जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने आज एक और भी बात की है। उन्होंने कहा ऑर्डिनेंस का सवाल हमारे आगे नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे, हम सिर्फ उस बात का जवाब देंगे जो रेफरेंस में हमसे पूछा गया है। और वो बड़ा सिंपल है, वो सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्या 226 के तहत सेनेट कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन है या नहीं है। इसके अंदर क्योंकि कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की पहले हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आर्ग्यूएबल केस है। मिसाल के तौर पे जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं 140A के तहत, वो सूबों की मर्जी है कि वो क्लोज बैलेट से कराए जाएं या ओपन बैलेट से कराए जाएं। तो सिर्फ सवाल ये है कि क्या 226 सेनेट इलेक्शन को पकड़ता है या नहीं पकड़ता। अब चूंकि उसमें कहीं जिक्र है कि आप इसको सीक्रेट करवाएं, सर देखें सोल रिलायंस 226 के ऊपर नहीं लिखी जा सकती। 226 क्या कहता है? वो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के अलावा तमाम सीक्रेट बैलेट से होंगे। ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर सर जो ऑर्डिनेंस लाए, क्या आरजी कानून साजी के तहत सेनेट इलेक्शन हो सकते हैं? सर प्रिजम्प्टिव लेजिस्लेशन है, लेकिन ये डिपेंड ये करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। ठीक है, ब्रेक का टाइम, ब्रेक जो टाइम थी ब्रेक खां पोथा चुका।